दीपावली तक सड़क पर उतरेंगी 12,000 गाड़ियां। कोरोना के कारण 2 साल बाद डिमांड बढ़ी, नवरात्रि के पहले दिन 700 गाड़ियां बिकी। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। 2 साल बाद एक बार फिर से कार बाजार में तेजी आई है। पिछले साल की तुलना में अलग अलग कंपनियों ने इस साल 25-40% की ग्रोथ आई। उम्मीद है कि लखनऊ सर्किल, जिसमें लखनऊ के अलावा रायबरेली, लखीमपुर, सीतापुर जैसे जिले आते हैं, सबको मिलाकर इस बार नवरात्रि से लेकर दशहरा तक करीब 12,000 गाड़ियों के बिकने की उम्मीद है। नवरात्रि के पहले दिन करीब 700 गाड़ियां बिकी। आम दिनों में एक महीने में करीब 5,000 गाड़ियां बिकती, हालांकि 2 महीने यह बिक्री 3,500 से 4,000 के बीच रह गई थी। इसमें पितृपक्ष भी आ गया था, इस दौरान बिक्री बहुत कम होती है। कार शोरूम डीलरों का कहना है कि लोग नवरात्रि और धनतेरस के बीच सबसे ज्यादा गाड़ियों की डिमांड करते हैं। इसी वजह से है कि किसी भी गाड़ी में कम से कम 4 से 6 सप्ताह की वेटिंग चल रही है। बाजार में मारुति स्विफ्ट डिजायर, बलेनो, ब्रिजा, टाटा टिगोर, टाटा टियागा, IT20, किया की डिमांड सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा डिमांड 10 से 12 लाख की रेंज वाली गाड़ियों की है। विकास नगर SRM मोटर के GM पीयूष अग्रवाल का कहना है कि उनके यहां सबसे ज्यादा डिमांड टाटा नेक्सन की है, इसमें सबसे ज्यादा वेटिंग है। इसके अलावा हुंडई में भी अभी क्रेटा की डिमांड सबसे ज्यादा है। अयोध्या रोड स्थित एक शोरूम के सेल्समैन ने बताया कि दीपावली तक शोरूम में काफी गाड़ियों का ऑर्डर देख रहे हैं, उनको पता होता है कि कभी भी बुकिंग आ सकती है। स्कोडा शोरूम के मैनेजर अभिषेक तिलहरी ने बताया कि लगातार बुकिंग आ रही है, नवरात्रि तक हम करीब 50 गाड़ियां सेल करेंगे। पहले दिन हमने 11 गाड़ियां सेल की, पहले और आखिरी दिन सबसे ज्यादा सेल होती है। उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि दीपावली तक करीब 150 गाड़ियां सेल होंगी। उन्होंने बताया कि उनके यहां पिछले साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा गाड़ियों की सेल है। क्या इस धनतेरस और नवरात्रि आप भी गाड़ियां खरीदने में इच्छुक रखते हैं? तो कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।